हूँ, लेकिन एक विशेष अवसर होता है होली का त्यौहार, जिसके अंदर सब कार्यकर्ताओं के बीच आपसी जो कार्यकर्ताओं में किसी प्रकार की छोटी मोटी कोई बात होती है, कोई मनमुटाव होता है, आपसी भाईचारा सद्भाव, ये हमारा उद्देश्य होता है। तो सब मिल करके होली मनाएंगे तो कम से कम आगे जो हमारा टारगेट है उसे मिल करके उस टारगेट को पूरा करेंगे। लोकसभा का चुनाव है, निश्चित रूप से हमारी भी आवश्यकता है कि सब मिल करके, और सिरसा की सीट, न केवल सिरसा की सीट बल्कि हरियाणा की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके 10 लोकसभा के सदस्य नरेंद्र मोदी जी के झोली में हम डालेंगे, ऐसा हमारा संकल्प। मैंने ये कहा था कि जिस जिले में हमारा एक भी विधायक नहीं है उस जिले को मैं चुनूंगा, तो संयोग से ये जिला ऐसा है जिसमें हमारा कोई एक विधायक नहीं है, इसलिए मैंने सिरसा को चुना। होली के रंगों के साथ चुनावी रंग भी है सर, जो मैंने बताया कि आखिर पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जनता को या संस्थाओं के लोगों को प्रेरित करना कि आखिर अपना लक्ष्य जो है उसको पूरा करने के लिए, और लक्ष्य हमारा इस समय लोकसभा का चुनाव जितना ये लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए सब लोग एकजुट होकर के काम करें, और उसमें निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को भी आह्वान है। गठबंधनों की भी चर्चाएं चल रही है सर? नहीं, किसी प्रकार आपस में वो करते हो, हमारा गठबंधन जनता के साथ है। उम्मीदवार कब तक घोषित हो इसी का? चुनाव बहुत दूर है अभी, थोड़ा और निकट आने दो। सर, इससे बस में सवार होकर सभी हरियाणा आ रहे हैं, क्या लगता है? मैं कहता हूँ विचार अच्छा है, लेकिन संभव सा नहीं है। बता दिया हरियाणा की 10 की 10 सीटें जीतें। इस बार प्रियंका गांधी ने कहा कि सारी पार्टियों को एक हो जाना चाहिए, नहीं तो बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। चौथा चना बाजेगा ना, लगी दादी नानी इंदिरा गांधी, क्या दादी इमरजेंसी को उनकी दादी नहीं बचा सकी तो इस कांग्रेस की इमरजेंसी को ये क्या बचा पाएगी? हम सब चौकीदार हैं।